आम आदमी पार्टी वालों मुफ्त सुविधावां दे हक च सुप्रीम कोर्ट दे विच पटीशन दाखिल की गई है। इस मामले ते पार्टी दा पक्ष सुनन दी मंग की गई सी ते मुफ्त सुविधावां देण वालियां पार्टियां दे खिलाफ पाई पटीशन खारिज होवे। आम आदमी पार्टी दा कहना है मुफ्त पानी बिजली ट्रांसपोर्ट राशन देना मुफ्त खोरी नहीं है। समानतावादी सरकार बनाउण लई सरकार दी जिम्मेवारी है। आम आदमी पार्टी तो यह सवाल किया गया अपना पक्ष साफ करने के लिए कहा गया। इसे साडे सहयोगी अरविंद सिंह साडे नाल जुड़ चुके हैं। अरविंद, क्या कुछ आज आम आदमी पार्टी ने अपनी दलील में रखा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में अश्विनी उपाध्याय की तरफ से एक याचिका दायर की गई है जिसमें कहा गया है कि ऐसे तमाम राजनीतिक दल जो कि चुनाव के दौरान मुफ्त सुविधाओं का वायदा करते हैं उनकी मान्यता रद्द होनी चाहिए। इसी बीच आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और कहा है कि उनका भी पक्ष सुना जाना चाहिए। उनका ये कहना है कि चाहे मुफ्त पानी हो, बिजली हो, ट्रांसपोर्ट हो, ऐसी सुविधाएं अगर दी जाती हैं तो ये मुफ्तखोरी नहीं कही जा सकती, बल्कि एक समतामूलक समाज के लिए जिसमें समाज के सारे तबके एक साथ आ सके उसके लिए एक जरूरत है और ये एक सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी बनती है कि वो समाज के ऐसे तबके के लिए जो कि वंचित तबका है उसके लिए ऐसी योजनाएं लाए। उनका ये कहना है कि बजाय इसके कि याचिका में ये सवाल उठाया जाता कि जो बड़े औद्योगिक घराने हैं, जो बड़े राजनीतिक दल हैं, उनके लिए केंद्र सरकार और तमाम दूसरी सरकारें ऐसी जनकल्याणकारी योजना ऐसी रियायतें देती हैं जिसका सीधे तौर पर आर्थिक खजाने पर असर पड़ता है, उनको टारगेट करने के बजाय याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय ने उन याचिकाओं का उन कल्याणकारी योजनाओं का हवाला दिया है जो सीधे तौर पर आम लोगों के उत्थान से जुड़ी हुई हैं। एक तरफ तो उनका ये कहना है कि याचिका खारिज होनी चाहिए और दूसरा उनका ये कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई कमेटी बनाता भी है तो उसमें वित्त आयोग, विधि आयोग के अलावा तमाम जो लोकल राजनीतिक पार्टियां हैं और तमाम जो राज्य सरकार के जो प्रतिनिधि हैं और यहाँ तक कि जो एनजीओ हैं उनके प्रतिनिधि को भी शामिल किया जाना चाहिए। वो सारे लोग तय करें कि आखिर इस कैसे एक कमेटी बने जो कि इस तरह की योजनाओं पर लगाम कसने की तरफ आगे बढ़ सके। जी बिल्कुल अरविंद, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। इसे साडे नाल गलबात करन दे लई अश्विनी उपाध्याय जुड़ चुके ने जिन्होंने पटीशन दायर कीती सी। अश्विनी जी, फिलहाल आम आदमी पार्टी वालों ये जवाब दाखिल किया गया, उन्होंने कहा है मुफ्त सुविधावां देना कोई गलत नहीं है, समानतावादी राज चलाउण दे लई सरकार दी जिम्मेवारी है। देखिए, आम आदमी पार्टी मीडिया में कुछ अलग कहती है और कोर्ट में जो एफिडेविट फाइल करती है तो कुछ अलग कहती है। जी, मीडिया में कहती है कि उसमें वो पैसे खर्च कर रही है वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाने के लिए, लेकिन सच्चाई ये है कि आम आदमी पार्टी के इतने सारे विधायक और सांसद हैं, किसी विधायक और सांसद एक भी विधायक सांसद का बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता। आम आदमी पार्टी कह रही है हमने हॉस्पिटल बहुत अच्छा कर दिया। कोई भी आम आदमी पार्टी का नेता, विधायक, सांसद आज तक कभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज नहीं कराया, सब प्राइवेट में कराते हैं, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री सब लोग कराते हैं। विषय केवल ये है कि आपके पास पैसा है या उधार लोगे आप। पंजाब के ऊपर 3 लाख करोड़ का कर्जा है, पंजाब की जो पॉपुलेशन है लगभग 3 करोड़ है, इसका मतलब हर पंजाबी इवन जो छोटा बच्चा है पंजाब में उसके ऊपर भी 1 लाख का कर्जा है। सिचुएशन ये है कि सरकार के पास सड़क बनाने के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए पैसा नहीं है, तो ये फ्री की जब स्कीम लाते हैं तो पैसा बनाने के लिए क्या करते हैं, शराब की दुकान खोलते हैं। जी अश्विनी जी, आपसे ये भी समझना चाहूंगी, मुख्यमंत्री पंजाब तो बार बार इस चीज का दावा करते हैं कि ये जो आप ही के पैसे हैं, आप ही का टैक्स है, आप ही को उस रूप में सुविधाओं के रूप में दे रहे हैं, तो उसमें गलत क्या है? हाल ही में उन्होंने फिर से ऐसे ही बयान दिए थे। नहीं, वो टीवी पे बयान देना अलग होता है, डेटा, हम तो डेटा बता रहे हैं ना कि पंजाब की एक एक बच्चे के ऊपर 1-1 लाख का कर्जा हो चुका है। जी बिल्कुल अश्विनी जी, इसी पर जवाब ले लेते हैं आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन पंजाब से मलविंदर कंग जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कंग साहब, बहुत स्वागत है थोड़ा। बात मैं अपनी कम्प्लीट कर लूँ जरा। जी, मेरा ये कहना है कि इनके पास जब पैसा नहीं है तो शराब की दुकानें बढ़ाते जा, पंजाब में जहाँ पहले 10 किलोमीटर पे शराब की दुकान थी, बाद में 5 किलोमीटर पे शराब की दुकान हो गई। अश्विनी जी, सवाल तो खड़े कर रहे हैं, मैं आपकी बात सुन रही हूँ लेकिन जवाब तो ले लें, फिर आऊंगी आपके पास। कंग साहब, बहुत स्वागत है थोड़ा। जी कंग साहब, की कहोगे, आम आदमी पार्टी ने कोर्ट दे विच अपना पक्ष रखा ही है पर पटीशन करता अश्विनी उपाध्याय जी साडे नाल ने, अपनी गल रख रहे, तुसी सुनी है, उस ते की जवाब दोगे? देखो,
आम आदमी पार्टी का तो बड़ा स्पष्ट मनना है कि जो देश के किसी एमएलए मिनिस्टर मंत्री मैंबर पार्लियामेंट नूं तुसी फ्री बिजली दे सकते हो, पानी दे सकते हो, उन्हूं कई पेंशनां दे सकते हो, तो जिहड़ा इस मुल्क का आम नागरिक है जिहड़ा सिर्फ मेहनत नाल मजदूरी नाल अपनी रोजी रोटी कमाउंदा है उहदा अधिकार है उहदे बच्चों नूं बेसिक जिहड़ी एजुकेशन और घट्टो घट सेहत सुविधावां जिहड़ियां आ उहनूं सस्तियां जां फ्री च मिलण। और ये कोई असी जी आम आदमी पार्टी और खासकर अरविंद केजरीवाल जी की जो राजनीति है वो उन्ना ही लोगों के वेलफेयर लैके ही शुरू हुई है। और ईवन इंडिया तो बाहर भी जो यूरोप के कई मुल्क देखते हैं अपना ईवन स्कूल एजुकेशन तो लैके हायर एजुकेशन फ्री है, कनेडा वर्गे जो डिवेलप मुल्क है उत्थे हेल्थ सुविधावान फ्री है। तो क्यों नहीं इस मुल्क के जोड़े लोग है उन्होंने बच्चे जोड़े बेसिक एजुकेशन ही तरसी जाते हैं, क्यों ना सरकार की जिम्मेवारी बनती, क्यों नहीं सरकार के वास्ते कर सकती। सो य चीज़ों ध्यान च रख के ही साड़ी जी पूरी राजनीति है। और असी दिल्ली भी पहला किया है, पंजाब कोशिश कर रहे हैं। और जेड़े मोदी साहब हुण कहण लग गए भी ये रेहड़ियां वंडते यही मोदी साहब पहला कहते 15-15 लाख रुपया दवा, बाद उन्हें गरीबों को रुपया नहीं दिता। तो जेड़े कारपोरेट घराने अमीर लोग हैं रईस लोग हैं इस मुल्क के उन्होंने 10 लाख करोड़ तो वध जिहड़े राइट ऑफ करते पिया जिहड़े बैंकों के लोन, और एक बड़ी वड्डी स्टडी है इन्हां दे जिहड़े दोस्त सभापति जिहड़े विजय माल्या वर्गे मेल चौक ठीक है इस्तेमाल किया गया, तमाम चीजा सही ने पर फ्री बीज नू लेके भी कुछ ना कुछ शक शुबा जरूर बरकरार ने। बहुत शुक्रिया तुहाडा भी अश्विनी जी, आपका भी धन्यवाद।